अब ये मुजरा बंद करवा दें। लोग हमें देखने ही तो आ रहे हैं ना, हमें जज ही तो करने आ रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, हमारी आंख कैसी दिख रही है, हमारी नाक कैसी दिख रही, हमारे बाल कैसे दिख रहे हैं, ये देखने लोग आ रहे हैं। तो क्या फर्क है, बस गाने नहीं चल रहे होते, ठुमके नहीं लग रहे होते। मुझे मेरी शादी से पहले 40 लोग देखने आए, बस एक फोन आता था या कोई रिश्ता करवाने वाले होते तो वो कहते थे एक लड़का है, बस अब बाकी बातें बाद में होंगी। फिर उस लड़के के घर वाले आ जाते थे, देखा जाता था और इनकार किया जाता था और चले जाते थे, गायब हो जाते थे। उन 40 में से मुश्किल से 2-3 लड़कों को देखा या जज किया होगा मेरे पेरेंट्स ने। हमें तो ग्राउंड में उतरने की बारी नहीं आती थी ना हमारे, एक टीम आई खेला और चले गए, अकेले खेला अकेले चले गए। लड़का जैसा भी है चलेगा, लड़की को लोग मना करके जाएंगे। वो आंख चाहिए जो आपको पसंद है, वो नाक चाहिए जो आपको पसंद है। लड़कियां टेलर मेड नहीं होती हैं। अगर आपको टेलर मेड लड़की चाहिए तो फिर लड़के भी टेलर मेड होने चाहिए। लड़के तो वही फटी जींस पहनी और ऊपर एक टी शर्ट डाली और जैसे आसमान का उतरा हुआ सितारा यहाँ के बैठ गए। क्यों भाई, आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा? जैसे जैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक लोग आते जाते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती जाती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म होना शुरू हो जाता है। आप माने या नहीं माने, ये एक ट्रॉमा होता है। हम एक ही जगह काम पे जाते थे, साथ साथ जाते थे, साथ आते थे। मुझसे जब शाह साहब ने कहा कि मिसरात आप मुझसे शादी करेंगे, मैंने कहा करूंगी। बस इतनी आसान सी बात है, इस आसान सी बात के लिए कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। मेरी सास या मेरी नंदें वो भी आई मिलने के लिए, और जब मेरी बड़ी बहन ने कहा कि हम रात को बुला के लाते हैं और आप देख लीजिए रात को, तो उन्होंने कहा कि हम रात को देखने नहीं आए हैं। रात नाम की लड़की जो इस घर में रहती है, चाहे वो जैसी भी है, हमें उसी बच्ची से अपने बेटे का रिश्ता करना है। दुख और अफसोस इस बात का है कि एक चौथाई सदी गुजर गई है लेकिन कोई तब्दीली इस प्रोसेस में नहीं आई। अगर ये सब कुछ फेस करके आज इस उम्र को पहुंच गई हूं, तो कम से कम मुझे ये सोचना चाहिए ना कि अब मैंने ये काम नहीं करना। तकलीफ की बात है कि मुझे आज भी कायम है, मेरे लिए नहीं तो किसी और के लिए, किसी और के लिए नहीं तो किसी और के लिए।